सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। सर्वशक्तिवान मीठा बाबा, रोज हम बच्चों को मीठा मीठा ज्ञान सुनाकर कितना मीठा बना रहे हैं। तो आज मीठा बाबा हम बच्चों कह रहे हैं, बाप ही तुम्हारा बाप, टीचर और गुरु है। उनका जीते जी बनकर माला में पिरो जाना है। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम बच्चे किस निश्चय के आधार से पक्के ब्राह्मण बनते हो? बाबा कहते हैं, तुम्हें पहला निश्चय हुआ है कि इन आंखों से देह से जो कुछ दिखाई देता है यह सब पुराना है। यह दुनिया बहुत छीछी है, यह हमारे रहने लायक नहीं है। हमको बाप से नई दुनिया का वर्षा मिलता है। इस निश्चय के आधार से तुम जीते जी इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से मरकर बाप का बनते हो। बाबा कहते हैं, तुम्हें निश्चय है कि बाप द्वारा ही विश्व की बादशाही मिलती है। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। भगती बच्चे गीत गाते हैं, जो पत्थर बुद्धि थे वो अब गीत गाते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए। एक गीत भी है कि पत्थरों ने गीत गाया। वो पत्थरों ने तो गीत नहीं गाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य गाते हैं। अब तुमको ईश्वरीय बुद्धि मिली है। आज बाबा बुद्धि के बारे में बता रहे हैं, हमारी बुद्धि कौन सी है, कौन सी बुद्धि थी, क्योंकि ईश्वर ने अपने बच्चों को बुद्धि दी है। जब हम ईश्वर के बने हैं तो देह सहित हम सारी दुनिया को भूल जाते हैं, क्योंकि यह रहने लायक दुनिया नहीं है, बहुत छीछी है, इसमें बहुत खिट खिट है, गोरख धंधे हैं, कोई भी सुख नहीं है। तो भागते हैं, सुख की दुनिया जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को आत्मा निश्चय कर। हम आपके ही बन जाते हैं, शिव बाबा के बन जाते हैं, इसलिए हम आपके गले में पिरो जाते हैं। तो पुरानी दुनिया पुराने शरीर से दिल हट जाती है, क्योंकि जानते हैं आपसे हमको नई दुनिया का वर्षा मिलता है। जब तक यह निश्चय नहीं हो वो ब्राह्मण बन ना सके। बाबा कहते हैं, जीते जी बाप का बनना है। निराकार बाप को ही कहा जाता है बाबा। आप हमारे बाप भी हो, शिक्षक भी हो, सतगुरु भी हो, तो बाबा हो गया ना बाबा। आप हमें प्रत्यक्ष फल देने वाले भी हो, बाप के रूप में विश्व की बादशाही का वर्षा देने वाले हो, शिक्षक के रूप में सारे संसार, ब्रह्मांड और सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हो, सतगुरु के रूप में हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम में ले जाते हो, फिर जीवन मुक्ति में भेज देंगे। कहते भी हैं, बाबा हम आपके साथ ही चलेंगे, आप ही हमारे सतगुरु हो। वो गुरु लोग तो साथ नहीं ले जाते, उनको तो मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता पता ही नहीं, मालूम ही नहीं। वो लोग तो बाप को ही सर्वव्यापी कह देते हैं, इसलिए वो कैसे रास्ता बता सकते हैं। कहते हैं, जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो आप मुए मर गई दुनिया, फिर कोई संबंध नहीं रहता। जब तक मां के गर्भ में प्रवेश ना करे तब तक तुम्हारे लिए कोई दुनिया ही नहीं है, दुनिया से तुम अलग हो। अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम जीते जी सब कुछ भूल मेरे बनो, मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। यह दुनिया खत्म होने वाली है, देवताएं कपतित दुनिया में नहीं होते हैं,
लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, सफाई आदि बहुत करते हैं, परंतु यह सतयुग थोड़ी है जो लक्ष्मी आवे। फिर नारायण कहां से आएगा? भला महालक्ष्मी को चार भुजाएं क्यों देते हैं? यह कोई थोड़ी समझते हैं कि यह दोनों एक ही है। ऐसा तो कोई चित्र बन नहीं सकता कि दोनों एक ही है जिसका चार भुजा हो। फिर दो मुख दे देना चाहिए, दो चार टांग दे देना चाहिए। भागते हैं, ऐसा मनुष्य कब हो ना सके कि चार टांग चार हाथ। भागते हैं, यह सब समझाने के लिए कि यह युगल लक्ष्मी नारायण है। अलग होंगे तो दो भुजा दो टांगे होंगे। बाप कहते हैं, पहले पहले यह निश्चय कराओ कि हमारा बाप टीचर गुरु तीनों ही हैं। यह हम सबको साथ ले जाएगा, फिर हम आगे की बात समझा सकते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपके गले का हार बने, फिर हमारी रुद्रमारा बनेगी। इस समय तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, तुम्हारी माला नहीं बन सकती क्योंकि तुम गिरते और चढ़ते हो, पुरुषार्थी आत्मा हो। भगत है, अभी माला नहीं बनेगी। माला कब बनेगी? जब आप संपन्न संपूर्ण बन जाएंगे। भगत है, पुनर्जन्म तो सबको लेना है। श्री कृष्ण की आत्मा को परमात्मा नहीं कह सकते, वो भी 84 जन्म पूरे लेते हैं। लक्ष्मीनारायण की राजधानी चली है, राजा राजा है, रानी रानी है। सबको अपना भिन्न भिन्न पार्ट मिला हुआ है। 84 जन्म लेते हैं सभी, एक की बात नहीं है। तुम बच्चों को समझाना है 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 लाख जन्म कहने से सारी बात बिगड़ जाती है। लाखों वर्ष की बात भी याद ना पड़े, अभी याद पड़ता है। आज भ्रष्टाचारी दुनिया है, कल श्रष्टाचारी दुनिया बनेगी। हम लिख सकते हैं जैसे शास्त्री ने लिखा है, हम न्यू इंडिया बनाकर छोड़ेंगे। अब न्यू इंडिया तो होती है न्यू वर्ल्ड में, वहां देवता धर्म के सिवाय और कोई धर्म होता ही नहीं। अब तो भारत में अथाह धर्म है, अनेक प्रकार की टालटालियां हैं, यह सब पिछाड़ी के हो गए हैं। यह भी दिखाया है लक्ष्मीनारायण सो अब ब्रह्मा सरस्वती बने हैं, फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मीनारायण बनेंगे। इसीलिए दिखाते हैं, विष्णु से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा से फिर विष्णु निकला, तुम अब विष्णु के कुल के बन रहे हो। खुशी का पारा उनको चढ़ेगा जो अच्छी रीति समझेंगे। बराबर अब नाटक पूरा होने वाला है। नाटक कहने से आदि मध्य अंत सब याद आ जाता है। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम वो सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो भगवान से पढ़ाई पढ़कर सब कुछ समझ रहे हैं। बाबा कहते हैं, वो फिर महिमा लिखते हैं, फलाने ने हमको समझाया तो हमारी कपाट खुल गए, इसने हमको जेदान दे दिया, फिर उनसे ही प्रीत हो जाती है, उनको याद कर देते हैं, फिर उनसे ही छुड़ाया जाता है। दलाल को थोड़ी ही याद किया जाता है, दलाल ने तो दलाली की खलास। फिर साजन को सजनी याद करती है, ब्रह्मा भी हो गया दलाल। याद उस शिव बाबा को ही करना है, यह दलाल भी उनको ही याद करते हैं, इनकी महिमा नहीं। यह तो पतित है, पहले इनसे प्रवेश कर इनको पावन बनाया। एक है पतित, एक है पावन, सूक्ष्म तन में ब्रह्मा है पावन। उनकी भी शक्ल दिखनी चाहिए, समझानी तो बार बार दी जाती है, परंतु जबकि आकर बाप का बने, बाबा हम आपके हो गए। तो बाबा धारणाओं में कहते हैं, ज्ञान देने वाले दलाल से प्रीत ना रख, एक शिव बाबा को ही याद करना है, वही जेदान देने वाला है। इस बेहद नाटक को बुद्धि में रख, अपार खुशी में रहना है, देह का वान छोड़ और शरीर बनने का अभ्यास करना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा खुशियों का खजाना बांटने वाले हीरो हीरोइन पाटधारी भव। संगमयुगी ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य है सदा खुश रहना और खुशी बांटना, लेकिन इसके लिए खजाना भरपूर चाहिए। अभी जैसा नाजुक समय नजदीक आता जाएगा, वैसे अनेक आत्माएं आपसे थोड़े समय की खुशी मांगने करने के लिए आएंगी, तो इतनी सेवा करनी है।
जो कोई भी खाली हाथ नहीं जाए। इसके लिए चेहरे पर सदा खुशी का चिन्ह हो, कभी मूड अप वाला ना हो, माया से हार खाने वाला दिल शिकस्त वाला चेहरा ना हो, सदा खुश रहो और खुशी बांटते चलो, तब कहेंगे हीरो हीरोइन पाटधारी। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, एक दो की राय को रिगार्ड देना ही संगठन को एकता के सूत्र में बांधना है। तो आज के मूल्य के अनुसार हमें सोमन लेना है, मैं इस विश्व में सबसे महान एक्टर हीरो एक्टर पाटधारी हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर शिव बाबा की याद में रहना है कि ज्योति बिंदु निराकार मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छायावन 24 घंटे रहते हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।